डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। मैं सूरज आज आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर पढ़ाएंगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं, या आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स तो हर सब्जेक्ट में ही पढ़ना है, तो किन्हीं को भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना हो तो आप आईबी टेक्निकल ज्वाइन कीजिए और यहाँ पढ़िए, आकर के देखिए। पढ़ने के बाद आपको सारा पता चलेगा। जो भी स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कि यहाँ से उनका इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगा पेपर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी नहीं हो तो वो फिर कुछ नहीं है। अब आने वाला समय में जानबूझ के सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स को डाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सारा सिस्टम अब कंट्रोल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हाथ में है। सारे डिवाइसेस को, इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ना है आपको, उसका एक सिलेबस का ओवरव्यू हम दे रहे हैं। इसके बाद इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। सब्जेक्ट को जब हम डील करेंगे तो फिर आपको और अच्छा से समझ में आएगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और क्यों हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेबस में देखेंगे, चूँकि इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाला हुआ है, इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बुलियन आइडिया एंड गेट्स, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ये जो तीनों पार्ट हैं वो डिजिटल से हैं। एंड फोर्थ में सेमीकंडक्टर डायोड, बीजेटी एंड फेट, ये तीनों टॉपिक आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। ओके, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। जब हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स विथ कंडक्टिविटी थ्रू सेमी कंडक्टर। मीन्स इसमें करेंट का जो कंडक्शन कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम लोग करेंट का कंडक्शन सेमी कंडक्टर के द्वारा करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जानना है कि सेमी कंडक्टर के द्वारा ही हम लोग करेंट का कंडक्शन क्यों करते हैं। तो सेमी कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो है कंट्रोलिंग का। मींस कि सेमी कंडक्टर के द्वारा करेंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर के अंदर हम लोग करेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि हम इससे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा बड़ा, जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िएगा तो उसमें बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज को हम लोग एक स्विच के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के द्वारा
हम लोग पूरे मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच है जिसमें करंट का कंडक्शन सेमीकंडक्टर से कराते हैं, और सेमीकंडक्टर चूंकि उसमें कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी होता है, जब हम डील करेंगे सब्जेक्ट को तो आपको बताएंगे कि क्यों कंट्रोल करता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या है कि वो करंट को कंट्रोल करता है या एनी इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से हम करंट को या किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में हो सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इतना इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। खैर, हम तो जान गए कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि चूंकि डिजिटल भी साथ में पढ़ना है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो जान गए कि इसमें करंट का कंडक्शन सेमीकंडक्टर से होता है, और सेमीकंडक्टर से इसलिए होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स सेमीकंडक्टर के द्वारा करंट को कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसका जब एप्लीकेशन देखेंगे, जब पूरे सब्जेक्ट को डील करेंगे, तो आपको बेहतर तरीका से क्लियर हो जाएगा। अभी आइए देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये डिजिटल क्या चीज़ होता है। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी डिजिटल डिवाइसेस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जो डिवाइस हैं, इसके अंदर जो इनपुट है या जो डाटा है, ये सब डिजिटल फॉर्म में होता है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, ये फॉर्म एनालॉग फॉर्म होता है, लेकिन जो डिजिटल, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो डिवाइस हैं, इसको हमारी भाषा समझ में नहीं आता है, उसको एक अपना भाषा चाहिए। वो भाषा उसके लिए, अभी सिंपल में हम समझ सकते हैं, वो भाषा उसके लिए डिजिटल भाषा है। जैसा कि देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग एक बेसिक एक इमेज से हम लोग समझ रहे हैं। आपको अभी बताया कि जो डिजिटल डिवाइस है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी है, ये डिजिटल डिवाइस है, ये हमारी भाषा को नहीं समझ सकता है, इसको डिजिटल फॉर्म, डिजिटल भाषा ही समझ में आता है, चूँकि ये डिजिटल डिवाइस है, इसको डिजिटल भाषा ही समझ में आता है। लेकिन हमारे पास, चूँकि हम जो बोल रहे हैं, जो मेरे पास भाषा है, वो एनालॉग फॉर्मेट में होता है, तो हमारे पास जो इनपुट है वो एनालॉग है, चूँकि इसको डिजिटल डिवाइस है, इसको डिजिटल भाषा समझ में आता है, तो ये इसको कन्वर्ट करने के लिए, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये जो डिजिटल डिवाइस है, इसके अंदर जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो भी, इसके अंदर में जब उसका हार्डवेयर पे जाएंगे, उसके अंदर में कई सारे गेट, कई सारे स्विचिंग सर्किट लगाए जाते हैं, जो इस डिजिटल डिवाइस में जो डिजिटल सिग्नल है, इसको वो अंडरस्टैंड करता है, उसको वो समझता है, और उसके अनुसार ही वो वर्क करता है। अब ये जो स्विचिंग सर्किट और गेट है, इसको बनाने के लिए हमको जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है, वो डायोड, बीजेटी और मॉस्फेट है। तो अब आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि हमारा सिलेबस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों डाला, क्योंकि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, डिजिटल डिवाइस जो पढ़ेंगे, तो डिजिटल डिवाइस में जो स्विचिंग सर्किट यूज होता है, जो इस डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है, जो डिजिटल सिग्नल को समझता है, स्विचिंग सर्किट या गेट, ये बनाया ही जाता है डायोड से, बीजेटी से, मॉस्फेट से। इसीलिए जब हम लोग ये टॉपिक देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें आपको डायोड पढ़ना है, बीजेटी पढ़ना है, और फेट के अंदर में हम लोग मॉस्फेट देखेंगे। तो यहाँ से अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों लिंक किया गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। चूँकि डिजिटल डिवाइस के अंदर जब हार्डवेयर है,
स्विचिंग सर्किट या गेट ये बनाया गया है डायोड, बीजेटी और मॉसफेट से। अब हम चर्चा करेंगे कि चूंकि ये गेट है क्या, ये स्विचिंग सर्किट क्या है, ये गेट हमको क्यों पढ़ना है, क्यों गेट बना, क्यों गेट इसके अंदर में डिजिटल डिवाइस में होता है, और गेट आखिर कैसे वो डिजिटल सिग्नल को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। डिजिटल डिवाइस के अंदर जो अभी बताया आप लोग के स्विचिंग सर्किट या जो गेट होते हैं, जो अंडरस्टैंड करता है डिजिटल सिग्नल को, उसको ये जो गेट्स हैं या स्विचिंग सर्किट है, इसको बनाया जाता है डायोड के द्वारा, बीजेटी के द्वारा, मॉसफेट या फेट के द्वारा। ये जो डायोड है, बीजेटी है, मॉसफेट है, उसको हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, इस टॉपिक से कवर करेंगे, डायोड, बीजेटी एंड मॉसफेट या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है फेट, इसी का एक टाइप है मॉसफेट। इसी जब इसको डील करेंगे हम लोग तो वहाँ पे मॉसफेट पढ़ेंगे। और जो गेट है, ये स्विचिंग सर्किट या जब गेट हम लोग बनाएंगे, वो गेट जो है वो एक लॉजिक पे काम करता है। जब हम लोग पढ़ेंगे गेट के बारे में, आपका फर्स्ट यूनिट जब हम चर्चा करेंगे गेट के बारे में, तो एक वो लॉजिक पर काम करता है, एक आइडिया पर काम करता है। जो सबसे पहले वो आइडिया देने वाले थे बुलियन नाम के साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे बुलियन आइडियाज रखा गया है। वो गेट जो हम बनाए हैं डिजिटल डिवाइस बनाने के लिए, वो गेट को क्या समझ में आता है, उसको क्या आइडिया समझ में आता है, वो आइडिया देने के लिए बुलियन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक आइडिया बनाया, 16 तरह का आइडिया, 16 आइडिया जो गेट को समझ में आता है, जो हमारा गेट या स्विचिंग सर्किट है। इस स्विचिंग सर्किट को बस बुलियन के द्वारा दिया हुआ जो आइडिया है, 16 आइडिया यही समझ में आता है, जो हम लोग फर्स्ट यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके बाद वो कैसे मेरा जो डिजिटल डिवाइस है वो कैसे एडिंग का काम करता है, सब्ट्रैक्शन का काम करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करता है, ये सारा चीज़ जो है आपको एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सब आपको सेकंड यूनिट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में डील करेंगे। उसके बाद मेमोरी, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि डाटा को वो कैसे स्टोर करता है, उसको बनाने के लिए स्टोरिंग जो एलिमेंट है उसके अंदर, स्टोरिंग जो जो उसके अंदर जो डिवाइस मेमोरी है, ये कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ों को हम लोग डील करेंगे सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में। और भी कई सारे चीज़ हैं, मेमोरी हो गया, इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप वगैरह पढ़ेंगे, लैच वगैरह पढ़ेंगे, तो सब हम लोग सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में डील करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा पूरा सिलेबस का ओवरव्यू, कि ये क्या है, क्यों पढ़ना है और इसको कैसे डील करेंगे। तो जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्लास में आइएगा, तो एक एक करके सारा यूनिट को हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद पूरा जब एंड होगा तब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या नीड है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है और क्यों सिलेबस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लिंक किया गया है। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए आईबी टेक्निकल के साथ।